हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज विधिक शिक्षा के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कुलभूषण जाधव वाले मामले के बाद विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चर्चा में आया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहा है। 1945 में यूएनओ के गठन के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का गठन किया गया, जो कई देशों के बीच में महत्वपूर्ण फैसले सुनाकर शांति की स्थापना कर चुका है। शायद यही कारण होगा कि नीदरलैंड के हेग में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है, उसका नाम रखा गया है पीस पैलेस, शांति भवन उसका नाम है। और इसका कारण मुझे लगता है यही होगा कि उसका काम कई देशों के बीच में महत्वपूर्ण फैसले सुनाकर शांति की स्थापना करना है। आज हम जानेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की शुरुआत कैसे हुई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम कैसे करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, आदि महत्वपूर्ण बातों को हम आज के लेक्चर में समझेंगे। हम इस चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को, देश का प्रत्येक नागरिक कानून तक पहुंचे और हर किसी को कानून की जानकारी हो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लास्ट तक ज़रूर इस लेक्चर को सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। शेयर करते रहिएगा और हमसे जुड़िए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जहाँ जहाँ हम मौजूद हैं। हम आपके लिए वेबसाइट लेकर आए हैं जिसका एड्रेस है www.vidhikshiksha.com। हम फेसबुक पेज पर अवेलेबल हैं www.facebook.com/vidhikshiksha। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़िए विधिक शिक्षा बाई एम जे सर के नाम से, या हमारे ट्विटर हैंडल पर आइए, विधिक शिक्षा के नाम पर है ट्विटर हैंडल, है @manmohanjoshi। आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या शॉर्ट फॉर्म में, अब्रीविएशन में ICJ कहा जाता है, को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था। जून 1945 इसकी स्थापना की तारीख है और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र यानी UN का प्रमुख न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है और मुख्यालय का नाम है द पीस पैलेस, या इसे हिंदी में हम कह सकते हैं शांति भवन। यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एकमात्र ऐसा अंग है जो कि न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी 5 अंग अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हैं। इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़कर हमेशा ही चालू रहता है। इस न्यायालय के प्रशासनिक व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ उठाता है। इंटरनेशनल कोर्ट में 15 न्यायाधीश होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लीजिए, इनका कार्यकाल एक बार में 9 साल का होता है और इनको दोबारा भी चुना जा सकता है। तीसरे साल इन न्यायाधीश जो 15 हैं, इनमें से 5 दोबारा चुने जा सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मुख्य शर्त यह होती है कि 2 न्यायाधीश एक ही देश से नहीं चुने जा सकते हैं। भारतीय जज के तौर पर यहाँ दलवीर भंडारी पोस्टेड हैं। श्री दलवीर भंडारी जी को ICJ में नवंबर 2017 में दोबारा चुना गया था। मतलब ये एकमात्र भारतीय न्यायाधीश हैं जो कि ICJ के पार्ट हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इनको दोबारा चुना गया है। ICJ में अपने पुनः निर्वाचन के लिए भंडारी साहब और ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन बाद में ब्रिटेन ने अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया था और भंडारी साहब की जीत पक्की हो गई थी। जस्टिस भंडारी का कार्यकाल 9 साल का होगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि एक बार चुने जाने पर 9 साल तक न्यायाधीश ICJ में नियुक्त रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जस्टिस भंडारी साहब को 193 में से कुल 183 वोट मिले थे, जबकि सुरक्षा परिषद में सभी 15 मत भारत के पक्ष में गए थे। इस चुनाव के लिए न्यूयॉर्क स्थित जो UNO है उसके मुख्यालय में अलग से मतदान करवाया गया था। समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन या न्याय क्षेत्र के बारे में। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका काम कानूनी विवादों का निपटारा करना है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा उठाए गए कानूनी प्रश्नों पर अपनी राय देना है। यानी समझ लें कि इसके 2 मुख्य कार्य हैं। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कानूनी विवादों पर निर्णय लेना, और दूसरा 2 पक्षों के बीच विवाद पर फैसले सुनाना। संयुक्त राष्ट्र की इकाइयों के अनुरोध पर यह राय देता है। UNO का जो मुख्य न्यायिक अंग है ICJ, इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच और इंग्लिश है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य
इस न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार रखते हैं। हालांकि जो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, वे भी इस न्यायालय में न्याय पाने के लिए अपील कर सकते हैं। समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम कैसे करता है। हाउ डज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्क। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपने विवेक से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नियमावली 1978 के अनुसार चलती है, जिसे 29 सितंबर 2005 को संशोधित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी देश का कोई स्थायी प्रतिनिधि नहीं होता है। देश सामान्यतया अपने विदेश मंत्री के माध्यम से या नीदरलैंड में अपने राजदूत के माध्यम से रजिस्ट्रार से संपर्क करते हैं, जो कि उन्हें कोर्ट में एक एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। आवेदक को केस दर्ज करवाने से पहले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और अपने दावे के आधार पर एक लिखित आवेदन देना होता है। जो रेस्पॉन्डेंट होता है दूसरा पक्ष होता है, जिसे हम प्रतिवादी कहते हैं। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है और अपने मामले की योग्यता के आधार पर अपना लिखित उत्तर दर्ज करवाता है। इस कोर्ट में मामलों की सुनवाई सार्वजनिक रूप से तब तक होती है जब तक न्यायालय का आदेश कोई और न हो, अर्थात यदि न्यायालय चाहे तो मामले की बंद अदालत में सुनवाई कर सकता है ओपन कोर्ट के अलावा। सभी प्रश्नों का निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। न्यायालय का निर्णय हमेशा अंतिम होगा और उसकी अपील नहीं होती है, किंतु कुछ मामले में न्यायालय पुनर्विचार कर सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से दायर कुलभूषण यादव के मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया है कि कुलभूषण को तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि सभी विकल्पों पर विचार न कर लिया जाए। सो फ्रेंड्स, आज आपने इस लेक्चर में समझा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, कैसे काम करता है, कितने न्यायाधीश होते हैं, उनको चुनने की प्रक्रिया क्या है, आदि आदि बहुत सारी बातें मैंने आपको आज यहाँ पर में बताई हैं। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को थोड़ा बहुत समझ पाने में सफल हुए होंगे। जुड़े रहिएगा हमसे और जानते रहिएगा कानून और अपने अधिकारों के बारे में। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।